है तो क्या दिक्कत। सुंदर है सुनना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हैं हम मध्य प्रदेश अमरकंटक के जंगलों में और आज जा रहे हैं एक वाटरफॉल देखने के लिए जो कि घने जंगलों के बीच है, जो कि एक हाइडन वाटरफॉल है गाइस। बहुत ही कम लोग जाते हैं रेयर केस में, तो आज हम वही दिखाएंगे आपको। बहुत ही ऊंचा झरना है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस आप देख ही सकते हैं रास्ता थोड़ा खतरनाक है, सिंगल पगडंडी है, इधर खाई है गाइस। गाइस घना जंगल है, हम लोग तीन ही लोग जा रहे हैं, एकदम शांत माहौल है गाइस। यहाँ डर भी लग रहा है, तो आपके लिए हम रिस्क लेके ये वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब। साहिल तुम दोनों में से कोई आया है यहाँ एक आध बार? भाई मैं तो पहली बार आ रहा गाइस। और मैं एक बार आया था लेकिन ऊपर तक आया था, नीचे नहीं आ पाया। नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि बहुत ही खतरनाक जंगल है गाइस। पहले भालू वालू वाला सिस्टम रहा जो मतलब आते जाते रहते रहे, मतलब ऐसे लोग चलते रहे, गाय भैंस चराने वाले लोग तो बताते रहे कि मिल जाते थे भालू, इसके वजह से मेरे को तो डर लगता। भाई आज तो नहीं मिलेगा। हाँ, एक नहीं। और एक व्यक्ति को काटा भी था भालू। किसको काटा था? काटा था हमारे मतलब हमारे गांव के। अरे एक व्यक्ति को। तो गाइस आप जंगल देख ही सकते हैं कितना खतरनाक जंगल है। एंड गाइस अभी हम जिस लोकेशन पे हैं वहाँ पर एक जंगल, घने जंगल के अंदर एक केले का पेड़ भी है, चलो आपको दिखाते हैं। बे आगे दिखा लेना चूदू। हाँ बे बहुत तो है गाइस। चलो आप आपके लिए रिस्क लेकर जा रहा हूँ। गाइस देख सकते हो केले का पेड़ है। चलो तो गाइस इन लोग अभी फोटो ले रहे हैं यहाँ जंगल में।
गाइस ये है गरुड़ का पेड़, देख सकते हो पत्ते दिखा, पेड़ नहीं ऊपर देख सकते हो। इससे पहले अगर आपने देखा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं देखा तो भी बताना। गाइस हमको जंगल में एक यूनिक सा पौधा मिला, देख सकते हो इसमें फल भी लगे हुए हैं और इसका तना देख सकते हो एकदम सांप के जैसा दिखाई दे रहा है। तो गाइस जितना यूनिक चीज़ है इस जंगल में उतना ही खतरनाक है गाइस ये जंगल। आराम से भाई, तो गाइस हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ, हमको रास्ता भी नहीं पता। हम किसी अंकल से पूछ के जा रहे हैं इस रास्ते में, जो कि हमको मिले थे ऊपर रास्ते में। गाइस ये तिलसा का पेड़ है जो कि सूख चुका है। तो भाई दुर्गेश तुम लोग के हिसाब से कितना दूर बचा होगा वाटरफॉल? थोड़ा दूर अंकल बताए हैं कि इधर ही कहीं से रास्ता भी है नीचे उतरने के लिए। तो गाइस हमको ऊपर अंकल मिले थे, वो बोले थे कि ऊपर से ही उतरना पड़ेगा, बट हम लोग रास्ता भटक गए हैं, हम लोग नीचे पहुंच गए हैं गाइस, तो अब हमको नदी ऊपर जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग नदी में नीचे पहुंच चुके हैं और आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा पानी चल रहा है नदी में। चलें गाइस, बहुत ही ज़्यादा बहाव है, हमारा मोबाइल भी जा सकता है यहाँ पानी में। तो गाइस हम लोग पानी में चल ही नहीं पा रहे हैं, हमारा पैर फिसल जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है गाइस जाने में। रास्ता दिख रहा है साहिल? यहाँ से ढके कैसे पे? नहीं है रास्ता, नहीं है भाई, पानी पानी जाएंगे तभी बनेगा। वो पानी का बहाव इधर बहुत तेज है, पतला पानी है, पतला हो रास्ता। चलना रास्ता है तो कहाँ से आराम से चले जाए। ये साहिल ऊपर नीचे सब तरफ देख के ना सावधान, मोबाइल में ज्यादा ध्यान मत दे, दवाई आगे कर लेना। पानी तो लोग डर रहे हो, माँ कसम मैं यूं चले जाऊँ यूं। इससे ज्यादा पानी तो अभी आ गए, यूं चले जाऊँ। साहिल इससे ज्यादा पानी तो अभी अपन क्रॉस किए थे। नहीं भैया ये कम था, अरे वो केला पेड़ से थोड़ा आगे तो है। पहुंचे यहाँ गाड़ी से बहुत तेज पानी का बहाव बहुत तेज है गाइस। यहाँ से कैसे करेंगे हा? कैसे जाएंगे आप? बहुत पानी का बहाव बहुत तेज।
तो गाइस पानी का बहाव बहुत तेज था तो हमें किनारे का सहारा लेना पड़ा अभी। तो चलो चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। से भालू का खोपचा है गाइस, भालू रहता है गाइस यहाँ पर। संभल के